जी मैंने हाउस बना दी है, अब आप शेयर कर सकती हैं इस पर। अच्छा अच्छा कौन है तारा? अच्छा अच्छा जी चलिए। जी, मेरे पास चलिए जी स्टार्ट ले रहे हैं। लें फिर अपना लीजिएगा जनाबे वाला, आप हमारी आ गई, शेयर स्क्रीन पूरी आ गई। ये देखिएगा, ये है हमारी अपना जी। मुझे उम्मीद है कि सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लीज़ प्लीज़ चलिए मैं स्टार्ट लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही वसहाबिही अजमाइन। स्टार्ट लेते हैं अल्लाह की तौफीक के साथ आज। और आज हमने पढ़नी है 3829 हदीस। अन अबी हुरैरा मरफूअन, अबी हुरैरा से मरफूअन रवायत है, कान अव्वलु मन दयफा अद्दैफाना इब्राहिम, सबसे पहले जिन्होंने दो मेहमानों की मेहमानों की जिन्होंने ज़ियाफ़त की, यानी उनकी उनके लिए खाना बनाया, उनके लिए इज़्ज़त का एहतमाम किया, वो इब्राहिम थे। वह हुआ अव्वलु मन इख्तना अला रासी 80 सना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने अपना खतना किया 80 साल की उम्र में। वख्तना बिलकुद्दूम, और उन्होंने वो जो खतना अपना किया वो तेशे से किया। ठीक है, बात यह है कि शरीयत में, हमारे शरीयत में जो है ना, खतना कराना जो है वो मशरू है। अगर कोई बंदा किसी उजर के बिना पे खतना नहीं करवा पाता, मुसलमान हो जाता है, तो फिर क्या है कि उसको खतना करवाना पड़ता है, करवाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान होने वाले शख्स को खतना करवाने का हुक्म दिया था। ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म दिया गया तो फिर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में किया और तेशे से किया। तेशा वो होता है ना जिसके साथ जो होता है ये मजदूर वगैरह काम करते हैं। चलिए जी आगे देखिए। अंबिया की तादाद, रसूल और नबी में फ़र्क, आदम और नूह और नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दरमियानी फासला 3830। अन अबी उमामता रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन काला या रसूल अल्लाह, एक अबी उमामा से रवायत है, कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अनन नबीयू कान आदम, क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? قال اللہ کے رسول نے فرمایا نعم ہاں معلم مکلم, تعلیم دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے سکھائے گئے تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ کلام بھی کیا تھا۔ قال کم بینہ وبین نوح, نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ قال 10 قرون, 10 صدیاں, 10 زمانے, 10 جنریشنز, 10 نسلیں۔ قال کم کان بین نوح و ابراہیم, اور ابراہیم اور نوح کے درمیان کتنا تھا؟ तो आपने फरमाया 10 قرون, 10 सदियाँ। आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक 10 सदियाँ, नस्लें, ज़माने वो, और नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 इसी तरह के ज़माने। कालू, कहने लगे, या रसूलल्लाह, कम कानत रसुल, कितने थे रसूल, कितने थे? काला 315, 300 और 55, यानी जम्मन गफीरन, बहुत बड़ी तादाद, 315। ठीक है, 15 नहीं, नहीं मैंने 55 कहा है, 15, 15, 315 और जम्मे गफीर, बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, आगे देखिए, एक और जगह पे आते हैं। ठीक है, ये जरा देखिए कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि नूह और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियाँ थी और ये सारे लोग शरीयत हक पर थे, फिर इख्तलाफ हो गया तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजना शुरू किया ताकि वो खुशखबरियाँ दें और डराएं। और इसी तरह ये बात है कि शुरू में जो है ना, लोग एक उम्मत थे और खालिस तौहीद पर थे, बाद में शिर्क शुरू हुआ। ठीक है ना, चलिए जी आगे देखें। अन अबी उमामता, अबी उमामा से रवायत है, अन रजुलन काल, के एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अनबियन का ना आदम,
क्या आदम अलैहि सलाम नबी थे? قال نعم, कहा हाँ. मुकल्लमुन, उनसे कलाम किया गया था. قال كم بينه وبين نوح, उनके और नूह के दरमियान कितना फासला था? قال 10 قرون, 10 सदियां. قال يا رسول الله, तो उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल, कम كانت الرسول, रसूल कितने थे? قال 315, 315. ठीक है, आगे देखिए, मजीद हदीस भी है. अच्छा जी, अब देखते हैं कि एक और जगह पर एक इससे थोड़ा सा फर्क भी है. अच्छा, अब उसमें ये देखिए कि रसूल जो है ना, इसमें रसूल और नबी का फर्क है. रसूल के बारे में ये समझा जाता है उसकी क्या तारीफ है, क्या फर्क है, क्योंकि हर जो है नबी वो रसूल नहीं है, लेकिन हर रसूल नबी जरूर है. ठीक है, तो रसूल 315 है. सही, तो बात यह है कि इसके बारे में कुछ का ये ख्याल है कि रसूल वो है जो कि पूरी अपनी कौम की तरफ भेजा जाता है, और नबी उसका उसी की शरीयत पर आता है. कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ और भी राय दी है, लेकिन ये है कि ये हमें पता है कि रसूल जो है वो ज्यादा फजीलत वाला स्टेटस है बनिस्बत नबी के. चलिए जी, आगे देखते हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक, और मूसा अलैहिस्सलाम इहराम की हालत में. अन मुजाहिदिन, मुजाहिद से रवायत है. قال كنا عند ابن عباس, हम थे इबन अब्बास رضی اللہ عنہما کے پاس. فذكروا الدجال, تو انہوں نے ذکر کیا دجال کا. فقال, تو کہا. انه مكتوب بين عينيه, لکھا ہوا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان. کافر, کافر. قال, یہ کہا نا, تو فقال ابن عباس, تو ابن عباس نے کہا. لم اسمه قال ذلك, मैंने तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी इस किस्म की बात. वलाकिन्नहु काला, लेकिन उन्होंने तो ये बात कही थी. अम्मा इब्राहीमु, के जो तो इब्राहीम थे. फन्वुरु इला साहिबिकुम, तो अगर तुम इब्राहीम को देखना चाहते हो ना, तो मुझे देख लो, यानी मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है. अम्मा मूसा, और जो मूसा अलैहि सलाम थे. फराजुलुन आदमु जादुन अला जमली अहमरा मख्तूमुन बिखुलबी, के मूसा अलैहिस्सलाम के बाल घुघरियाले थे और रंग गंदम था. अहमर सुरख को कहते हैं ना, ब्राउन सा कलर. ठीक है, कअन्नी अंदुरु इलैही इदन हदरा फिल वादी युलबिया, मैं अगर उनका तसव्वुर कर रहा ना, तो जो मैंने उनको देखा, यानी अल्लाह ने मुझे जो मुझे दिखाया है, तो बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है कि वो एक वादी के अंदर है और सुरख ऊंट पर सवार है, और उन्होंने तलबिया कह रहे हैं. ठीक है, तलबिया कहने का मतलब ये है कि यानी हज के या उसके ऊपर है ना, एहराम में. ठीक है, अच्छा. मख्तूमन, एक ऐसे जमलिन अहमरिन, एक सुर्ख ऊंट पर सवार है. मख्तूमन, जो के जिसको रस्सी डाली गई है और वो उधर से उतर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे जरा देखिए. यहाँ पे एक और हदीस आ गई है. अन उमर बिन साबित अल अंसारी, उमर बिन साबित अल अंसारी कहते हैं. अन्नहु अखबरहु बादु अस्हाब नबी अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये बात बताई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा. यौम इदिन वहुवा युहद्दिरुहुम फितनतहु, कि क़यामत के नज़दीक, और अल्लाह के रसूल डरा रहे थे फितने दज्जाल से. तअल्लमु अन्नहु लन यरा अहदुम मिनकुम रब्बहु हत्ता यमूत, कि तुम लोगों को इस बात का तो पता लग जाना चाहिए, यानी जान लो कि तुम में से कोई अपने रब को नहीं देख सकता हत्ता के मौत ना आ जाए, यानी इस दुनियावी जिंदगी में अल्लाह को नहीं देखा जा सकता. वह अन्नहु मक्तूबुन बैन आइनैही ही, और जो दज्जाल है उसके आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है. यानी कहने का मतलब यह कि जब तुम्हारे पास दज्जाल आ जाए ना, और तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाए, तुम अपने आप को दो बातें कहो कि एक तो ये है कि अपने रब को हम देख नहीं सकते हैं, तो जब दज्जाल को तो हम देख रहे हैं, दूसरे उसकी आंखों के दरमियान काफारा लिखा हुआ है, यानी काफिर. यकरउहु मन करिहा अमलहु, और ये किसी बंदे को समझ आए ना आए, लेकिन ये हर बंदा इसको पढ़ सकेगा. कहने का मतलब है कि बंदे नहीं भी पढ़े लिखे होंगे ना, जब भी इस बात को पहचान जाएंगे. عن عبد الله بن مرفوع, عبد الله مرفوع, عبد الله سے مرفوع روایت ہے. كأني انظر الى موسى عليه السلام في هذه الوادي محرما ما بين قطوانيتين. ٹھیک ہے, عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسی علیہ السلام کو اس وادی کے اندر, یعنی مکہ کے اندر, دو قطوانی چادروں کے احرام میں دیکھ رہا ہوں.
चादरों की कोई किस्म होगी ना। चलिए अगली हदीस पे आए। अन अबी हुरैरा था अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال, अबी हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नी अंजुरु इला मूसा इब्न इमरान मुनहबितन मिन फनियति हरशा माशियन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मूसा अलैहि सलाम को देख रहा हूँ कि वो पहाड़ी रास्ते पर से उतर रहे हैं, पैदल उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। मुनहबिता नीचे उतरना, मिनथनियत ही पहाड़ी रास्ता या जो है ना दर्रा कह लीजिए, हर्षा माशियन और हर्षी पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं उस इलाके में हज के लिए आए होंगे ना। चलिए, मूसा अलैहि सलाम को अलवाह दी गई थी कुरान मजीद की सूरतों की तकसीम। अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से रवायत है, उन्होंने कहा ऊतिया मूसा अलैहि सलाम अलवाह व ऊतैतु मतानिया, मुझे मूसा अलैहि सलाम ने को मूसा अलैहि सलाम को तख्तियां दी गई थी, टैबलेट्स। अब टैबलेट्स की समझ आ गई है ना। और मुझे जबकि कुरान मजीद का मसानी दिया गया ना, यानी कुरान मजीद दिया गया जो कि तख्तियों की सूरत में नहीं था बल्कि जिब्रील से मेरे पास आया। अच्छा जी, अच्छा कुरान मजीद के जब आप मसानी की जरूरत लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो आम तौर पर इससे मुराद सूरह फातिहा है। ये इब्तदाई लंबी 7 सूरतें हैं। मसानी वो सूरतें हैं जिनकी आयात की तादाद 200 से कुछ कम है। उसकी वजह तस्मिया ये है कि तिवाल और मियाइन के बनिस्बत इनकी बार बार तिलावत की जाती है। चले जी आगे देखिए। अन अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال मूसा इब्न इमरान सफीउल्लाह, जो मूसा अलैहि सलाम जो थे वो अल्लाह की तरफ से चुने गए थे, सफी चुने गए थे। अन अनस, अनस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال अव्वल नबीयुन उरसिला नूह, सबसे पहले जो नबी थे वो नूह अलैहि सलाम थे जिनको के भेजा गया था। ठीक है, नूह अलैहि सलाम से पहले आदम और शीस अलैहि सलाम और इदरीस अलैहि सलाम जो है वो वैसे गुजर चुके हैं। और वैसे इदरीस अलैहि सलाम को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रसूल का नाम दिया है, वल्लाहु आलम। नूह अलैहि सलाम के अपने बेटे को नसीहत। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर, अब्दुल्लाह बिन अमर से रवायत है قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, हम थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फजा रजुल मिन अहल البادية عليه جبة سيجانة مزرورة بالديباج, कहते हैं कि एक आदमी आया बदुओं में से, अहल البادية गांव वाला की तरफ से, उसने सीजान का एक पहना हुआ था जुब्बा, मजरूरा जिसके जो बटन थे ना वो दीबाज के थे, रेशम के थे। फकाल, तो उसने कहा अला सुन लो इन साहिबकुम हादा कद वदा कुल फारिस इब्न फारिस, तो उसने कहा कि तुम्हारे ये जो साथी हैं ना मोहम्मद, इन्होंने घुड़सवारों के मकाम को कम कर दिया। ठीक है, कुल फारिस इब्न फारिस, घुड़सवार कहते हैं ना, फरस कहते हैं उसको, घोड़े को, लेकिन इन्होंने चरवाहों की इज्जत बढ़ा दी है। قال يريد ان يضع كل فارس ابن فارس انه اي يضع, उन्होंने कम कर दिया है, जाया कर दिया है घोड़ों वालों को, ويرفع كل راعي ابن راعي, जबकि चरवाहों को जो है ना बुलंद कर दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बकरियां चराते थे ना, तो उनकी तो इज्जत बन गई ना। قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم, तो ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने पकड़ा, بمجامع جبته, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जुब्बा के गिरीबान के, بمجامع, ये गिरीबान होता है ना जहाँ से बटन लग के बंद हो रहा होता है, उसको पकड़ लिया और कहा अला अरा अलैक لباسا من لا يعقل, क्या तूने जो कपड़े पहने हुए ये तो बेवकूफ लोगों के हैं, من لا يعقل, क्या नहीं मैं देख रहा तेरे पर ऐसा लिबास, ये जो उन लोगों का है जिनमें अकल नहीं है। सुम्मा काला, फिर कहा इन नबी अल्लाह नूहन, अल्लाह के नबी जो नूह थे, लम्मा हदरत हा अल्वफातु, जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, तो काल अली इब्नी ही, तो अपने बेटे को कहने लगे इन्नी कासुन अलैक अल्वसीयता, मैं तुझे कुछ बातों की वसीयत करता हूँ, आमुरु का भी इतनतैन, दो बातों की, व अनहा का अन इतनतैन, दो बातों को हुक्म देता हूँ और दो बातों से मना करता हूँ, अनहा का, आमुरु का भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, फिन समावात सबई वल अर्दैनी अस्सबअ लो वुदिअत फी कफ फी किफ्फा,
और जो सात आसमान और जो सात जमीनें हैं ना, वो इस तरह हैं जैसे अल्लाह की मुट्ठी के अंदर है। वुदियत ला इलाहा इल्लल्लाहु फी कफ्फा, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना वो भी एक मुट्ठी में है। रजहत बिहन्ना, लेकिन वो जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी भारी चीज है कि एक मुट्ठी के अंदर अगर जमीन और आसमान है ना और दूसरी मुट्ठी में ला इलाहा इल्लल्लाह है तो वो जमीन और आसमान से बढ़ जाएगी। ठीक है, वलो अन्ना समावात सबई वल अर्दैन सबह, अगर सात आसमान और सात जमीने हैं, कुन्ना हलकतु मुबहमतन, अगर वो एक 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 बंद कड़े की शक्ल इख्तियार कर ले, हल्का सर्कल बन जाए ना, वो भामातन ये जो बंद होता है ना, यानी जिसमें कोई फासला नहीं होगा, इल्ला कसमत हुन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह उस बंद कड़े को भी तोड़ सकता है, यानी इसकी इतनी तासीर है। बस सुबहानअल्लाह व बिहम्दी, और तारीफ अल्लाह की उसकी पाकी अल्लाह की उसकी तारीफ के साथ, फइन्नहा सलातु कुल्ली शैइन व बिहा युरज़क़ुल खल्क, क्योंकि इसके साथ जो है हर चीज़ जो है ना वो दरूद भेजती है और उसी के साथ मखलूक को रिजक दिया जाता है। चले जी, रिजक की दुआ मिल गई ना, ये जो कलिमात है ये हर चीज़ की नमाज है। ठीक है, यानी हर आप देखें इबादत में ये कलिमात मौजूद होते हैं और इसके साथ अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं मखलूक को। व अनहा कान शिर्की वल किब्र, और मैं मना करता हूँ तुझे शिर्क से भी और तकब्बुर से भी। काला कुल्तु अवकील, कहा मैंने, आपने फरमाया नहीं, अवकील काला कुल्तु अवकील या रसूल अल्लाह हाज़ शिर्क, हाँ अच्छा कहते हैं कि मैंने कहा या उस मजलिस में ये बात कही गई कि अल्लाह के रसूल हाज़ शिर्क का दारफ ना हो, शिर्क का तो हमें पता चल गया, तो फमल किब्र, तो किब्र क्या है। काला अन यकून लि अहदिन नअलानी हसनतानी लहुमा शिराकानी हसनानी, आपने फरमाया कि तकब्बुर ये है कि नहीं, सवाल करने वाले ने पूछा ना कि तकब्बुर क्या ये है कि आदमी के जूते और उनके तस्मे अच्छे हों। जरा सुनिएगा, अन यकूना लिअहदिन नअलानी हसनतानी लहुमा शिराकानी हसनानी, एक बंदे के तस्मे अच्छे हों, जूते अच्छे हों, तो ये शिर्क है क्या, यानी बंदा अपने कपड़े अच्छे करने की कोशिश करे। काला ला, आपने फरमाया नहीं नहीं ये नहीं। काला हुआ अन यकूना लिअहदिना अस्हाबुन, ये तो ऐसा है कि एक आदमी के यार दोस्त हों, यजलिसूना इलैही, जो कि जो उसके साथ उठते बैठते हों। काला ला, यानी कहने का मतलब है कि एक बार आदमी ने बड़ी जमे गफीर इकट्ठा किया हुआ है तो क्या लोगों के दरमियान वो बड़ा मकबूल है, तो क्या फिर ये भी तकब्बुर है। काला ला, कहा नहीं। कीला या रसूलुल्लाह फमा अल-किब्र, ये बताइए अल्लाह के रसूलुल्लाह तकब्बुर है क्या। सफहुल हकी व गमसुन्नाक नास, लोगों को नकम्मा समझना, हकीर समझना, और क्या है, सॉरी सफहुल हकी, हक को झुटला देना और लोगों को हकीर समझना। बड़ी खूबसूरत हदीस है और बड़ी अच्छी तरह इसकी समझ आई है। देख लीजिए, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत है, और इतनी फजीलत है कि ये बंद मुश्किलों को खोल देती है। हल्के हल्का ज़मीन और आसमान का बन जाए ना, उसको भी एक बंद कड़ा बन जाए ना, तो उसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह तोड़ देगा। फिर सुभान अल्लाह, जो हर हर इबादत में शामिल है, और इसके साथ अल्लाह रिस्क देता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है तकब्बुर से मना किया गया है, और तकब्बुर क्या है कि हक को अहमियत ना देनी और लोगों को हकीर समझना। चलें जी, एक और पढ़ लेते हैं और बस करते हैं। अन अताइन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال, अता रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इन्ना माशर अल अंबियाई तनामु अयुनुना वला तनामु कुलूबुना, हम जो अंबिया का कबीला है ना, हमारी आंखें सोती हैं लेकिन हमारे दिल नहीं सोते। ठीक है ना, यही वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज भी पढ़ लिया करते थे ना। एक और हदीस भी पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर ख़त्म करते हैं। नबी हुरैरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, आंखें सो जाती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। बस चलिए जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ख़त्म करते हैं बितौफीकिल्लाह, और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें जो है बात सुनने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।